आज भी कबूतरों से मैसेज भेजती है यहाँ की पुलिस। जी हाँ, अक्सर फिल्मों में कबूतरों द्वारा प्रेमी जोड़ों का संदेश ले जाते भी देखा होगा। पुराने ज़माने में संदेश ले जाने के लिए कबूतर एक अहम माध्यम हुआ करता था, लेकिन डिजिटल युग में कबूतर की प्रासंगिकता थोड़ा हैरान करने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओडिशा पुलिस के कबूतरों की, जिन्हें संदेश भेजने के लिए आज भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पुलिस के पास 50 कबूतरों का एक समूह है, जो खास तौर पर एक जगह से दूसरी जगह संदेश ले जाने के लिए प्रशिक्षित किए गए हैं। हाल ही में इन 50 कबूतरों के लिए ट्रायल का आयोजन किया गया था। इस दौरान पुलिस ने कबूतरों के जरिए भुवनेश्वर के OU-80 ग्राउंड के कटक तक संदेश भेजा था। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आपदा प्रबंधन है। यदि किसी कारणवश मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो जाए, तो पुलिस इस पारंपरिक माध्यम के जरिए अपने संदेशों का आदान प्रदान कर सकती है। इन कबूतरों को इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज की मदद से प्रशिक्षित किया गया है। कबूतर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकते हैं। रोड नेटवर्क से कटे क्षेत्रों में ये तरीका कारगर साबित हो सकता है। एक कबूतर की उम्र करीब 20 साल तक होती है। कबूतर को एक बार प्रशिक्षित कर दिया गया तो वो लंबे समय तक काम दे सकता है। बताया जा रहा है कि जब भी प्राकृतिक आपदा आई है, तब तब कम्युनिकेशन सिस्टम ध्वस्त हुए हैं, तो कबूतरों के जरिए संदेशों का आदान प्रदान किया गया है। साल 1982 में ओडिशा के बाकी जिले में भीषण बाढ़ आई थी। उस वक्त सारे सिस्टम ध्वस्त हो गए थे, जब पुलिस ने कबूतरों के जरिए ही अलग अलग जगहों पर संदेश भेजने का काम किया था। इन कबूतरों में नीला रॉक कबूतर, हरा शाही कबूतर, जंगली और हरा कबूतर शामिल है। हिमालय का हिम कबूतर, तिब्बत के पठार का पठारी कबूतर, पर्वतीय क्षेत्र के शाही जंगली कबूतर, अंडमान का जंगली कबूतर, निकोबार का पाइड इंपीरियल कबूतर और पितवर्ती कबूतर, इसके अलावा निकोबारी कबूतर भी इस समूह में शामिल है। आपको कैसी लगी ये जानकारी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बने रहें tuple.com पर।